यूपी के कौशाम्बी जनपद के सैनी थाना क्षेत्र के सयारा गांव में आरोप है कि एक दबंग ने अपने गुर्गुल संग मिलकर विधवा महिला का मकान जेसीबी द्वारा तोड़ दिया। पीड़ित विधवा महिला ने अपने आलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि सैनी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली विधवा महिला शबनम सिद्दीकी ने अपना मकान को किराए पर एग्रीमेंट के तौर पर दिया था। एग्रीमेंट का समय पूरा होने पर मकान को खाली करवा दिया था। शकील इसी बात से खुन्नस खाए बैठा था जब 2 दिन पहले पीड़ित शबनम अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी के लिए एक कार्यक्रम में अपनी फैमिली के साथ गोंडा गई थी। आरोप है कि तभी दबंग भूमाफिया किस्म का व्यक्ति शकील अहमद अपने गुर्गों के साथ मौका देख मकान को जेसीबी लगाकर तुड़वा दिया। जब पीड़िता विधवा महिला दावा से घर वापस आई तो उसके देखकर होश उड़ गए। पीड़ित महिला ने जब इसका विरोध किया तो मारपीट पर आमादा होते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि ये दबंग भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। 6 महीने पहले गांव के रहमान नाम के गरीब व्यक्ति का मकान भी जेसीबी से गिरवा कर उन्हें मारा पीटा था, जिसके खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया था। मुकदमे की कार्यवाही होने के बावजूद भी दबंग शकील के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित विधवा महिला ने सीएम को लिखित शिकायत देने के साथ ही साथ अपने आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बताइए क्या मामला है, क्या हुआ है? मैं विधवा महिला हूं और ये मकान जहां पे हम खड़े हैं ये जी. मैंने अपने देवर शकील अहमद को किराए के तौर पे दे रखा था 1 साल के एग्रीमेंट पे जी. और उनसे जब पहले तो वो खाली नहीं कर रहे थे, बड़े मुश्किल में उन्होंने खाली किया और हम लोग शादी में चले गए। उसके बाद इन्होंने इस घर में काफी तोड़फोड़ कर दी। सुबह आके हम लोग जब हम लोग वहाँ से लौट के आए, शादी से लौट के आए, तो जेसीबी से पूरा मकान हमारा तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया, पूरी चार दीवारी तोड़ दी, जीना तोड़ दिया, दरवाजे निकाल ले गए, लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिया, सारी लाइट का कनेक्शन पूरा सब खराब कर दिया। और जब हमने देखा तो हमारे होश फाख्ता हो गए। इसका हमने विरोध किया तो उन्होंने हमको धमकी दिया कि 6 महीना अभी पहले बगल में जो रहमान के माँ बाप का हश्र हुआ भाई हंस करेंगे, कुछ चुपचाप तुम खामोश हो जाओ, कोई एक्शन ना लो, नहीं जो इनका हाल किया था वही हाल तुम्हारा होगा, तुम्हारे बच्चों को भी मैं जान से मरवा दूंगा। रहमान के साथ क्या हुआ था? 6 महीने पहले उनके माँ बाप के साथ भी इसने मारपीट की थी और चोरी डकैती भी की थी और घर गिराया था उनका पूरा। इसका मीडिया पे भी काफी चला है, सब लोगों को, आप लोगों को पता होगा। आपका भी गिरा दिए जी? उसके बाद हमारा भी, तो वो हमको वही धमकी दे रहा है कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उन लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा हमारा। इस बात की आपने कहीं शिकायत की? जी थाने में शिकायत की, लेकिन वो लोग कह रहे हैं अभी चुनाव की वजह से अभी हमें कोई मदद नहीं मिली है। और पुलिस एक दो बार आई भी है तो 2 कदम की दूरी पे है, उसके घर नहीं जाती है, सिर्फ हम ही को बार बार बुलाया जा रहा है यहाँ पे। और ये कहकर हमको टाल दिया जा रहा है कि चुनाव की वजह से कोई अधिकारी नहीं है, आप लोग बृहस्पति शुक्रवार तक इंतजार करिए हमारा। क्या नाम है आपका? जी शबाना सिद्दीकी है। और हमें हमारे बच्चों की जान माल का उससे खतरा है, हमारी हिफाजत की जाए उससे। मामला है ये मामला कुछ नहीं भरा बेटो, या भवारा की घर बनाता रहा है, या बैनामा जमीन ही पैसा ले चुके हैं, जबरदस्ती हमका कब्जा अपना ले रहे हैं हमार की, जब हमार घर बन गा तो सब आके गिरा दे, गिरा के आवा के मुंडन कला के 10-12-13 आदमी रहे हैं हमका मारिन 3-4 जन का, और मार के पूरा घर गिरा के चले गए हैं। दूसरे दूसरे का कब्जा का जबरदस्ती ले थे। जैसे हमार गिराइन रहा वही तरह इनका भी गिराइनी आदमी नहीं नहीं बिचारी मेवा आदमी हमारे इनका भी गिरवा दी। क्या नाम है आपका? हमार खैरुन्निसा। ठीक।